पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आपके घुमक्कड़ जिस्पा रोहतांग पास सोलांग वैली को क्रॉस करते हुए मनाली तक पहुंचते हैं। अब आगे जैसा हमने कहा था कि हम मनाली की वाट लगा देंगे, मनाली ने उल्टे हमारी वाट लगा दी। दिखाते हैं आपको नज़ारे कुछ ऐसे हैं। जैसे ही हम सुबह उठे 8 बजे, हमने उठते ही गेट खोला बालकनी का और देखते हैं बारिश हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी तक भी बारिश कंटिन्यू हो रही है। बाकी मौसम विभाग का क्या कहना है वो बताएंगे आशीष। तो मौसम विभाग का कहना ये है कि दिल्ली तक हमें बारिश ही मिलने वाली है। गाड़ी आराम से चलाएं, सेफली चलाएं और मौसम का आनंद लें। बाकी दिखाते रहेंगे आपको रास्ते के भी नज़ारे, कहाँ तक बारिश मिलती है हमें और क्या होता है। सो गाइस, आज हमारा लास्ट डे होने वाला है जर्नी का। आज हम करने वाले हैं मनाली टू दिल्ली नॉन स्टॉप। इस वक्त हमारे मन में जो गाना चल रहा है वो है ओ नादान परिंदे घर आ जा। तो आज ये नादान परिंदे वापस अपने घर जा रहे हैं। भगवान का साथ देखो गाइस, पूरे रास्ते इतने जो खतरनाक रास्ते हमने करे, हमें कहीं बारिश नहीं मिली, कहीं बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। और आज जब हम आधे से ज्यादा सर्किट कंप्लीट करके मनाली आ चुके हैं, आज जाके हमें बारिश मिल रही है। अगर यही बारिश हमें रास्ते में मिलती, सोचो कितना डिफिकल्ट होता हमारे लिए वो करना। ये गाइस, ट्रिप कितने भी लंबी हो, हमारे भी जैसे 8-9 दिन की थी, बट वही बात है कि कम पड़ी जाती है। बट कोई नहीं, आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आगे भी हम ट्रैवल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी भी हमारे काफ़ी सारे जो जो हमने सोचा था, काफ़ी सारे ऐसे प्लेस रह गए जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे। गाइस, हमारा यही मकसद है कि हम अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल करें, आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों को मोटिवेट करें ट्रैवल करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना वही डेली रूटीन में, डेली जॉब्स में फंसे रहते हैं। तो क्या गाइस, हम सब अपने कम्फर्ट जोन में बैठे रहते हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस, जो असली लाइफ है वो ट्रैवल में है। अगर आपने लाइफ में ट्रैवल नहीं करी तो गाइस कुछ नहीं किया। जो भी हम ये कर रहे हैं, जो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा हो, वो मैसेज आप तक कन्वे हो रहा हो, आपको ये सब जो भी प्लेस हम घूम रहे हैं, आपको भी लग रहा हो कि आप भी हमारे साथ ये सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं। गाइस, वी लिव ओनली वंस, सो एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। सो गाइस, जो हमारा होटल का रूम है वो मनाली का जो गुरुद्वारा है, मेन गुरुद्वारा, उसके ठीक बगल में है। और मैं आपको लोकेशन की और बात करूँ तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, ये मॉल रोड है। तो मॉल रोड के जस्ट पीछे और गुरुद्वारे के जस्ट बगल में है हमारा होटल। इस होटल का नाम है होटल दिरगू पैलेस। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, सामने एकदम वैली का व्यू आ रहा है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, गुरुद्वारा है, मॉल रोड भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सिर्फ 300 मीटर पे यहाँ पे लगभग मॉल रोड है। और नीचे पार्किंग भी आप देख सकते हैं, हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, होटल में पार्किंग भी है। वरना अंदर जो होटल होते हैं यहाँ पे, बाकी वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, आपको अंदर का दिखाते हैं, रूम अंदर से कैसा है। सो गाइस, ये है हमारा रूम, जिसे देख के अलग ही फील आ रही है। बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाया हुआ है यहाँ पे बेड के पीछे। सो गाइस, बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी तक हम कैंप में ही सो रहे थे और काफ़ी दिनों बाद हम ऐसे कंफर्टेबल बेड पर सोए हैं, तो काफ़ी अच्छी नींद आई, काफ़ी कंफर्टेबल बेड है ये। और साथ में सोफा है बैठने के लिए और बाहर भी चेयर लगी हुई है, अगर आपको बाहर का वैली का व्यू लेना हो तो वो भी ले सकते हैं आप। और सामने गुप्ता जी बैठे हैं, द ऑमलेट किलर। हाँ, ये गुप्ता जी रूम में नहीं आते, हमें साथ लेकर आना पड़ता है। अच्छी बात ये है, जो होटल वगैरह होते हैं ऐसे स्टेशन पे, बहुत छोटे वॉशरूम होते हैं, यहाँ पे वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो जितना बेडरूम होता है बाकी होटलों में, उतना यहाँ पे वॉशरूम बना दिया है लोगों ने। रात जब हम रूम में आए तब इसकी अलग ही कंडीशन थी, और अब देखो हमने कैसे तहस नहस कर दिया सारा। ये हमारा सारा सामान है, उधर कैमरा है, वो सारा हमने कल मॉल रोड पर शॉपिंग किया था। और ये भी हमारा सामान है, ये कैमरा का बैग है। तो अब सारी पैकिंग हो चुकी है, बस हम निकल रहे हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये होटल हमें पड़ा है सिर्फ 1000 रुपीज़ में गाइस। वैसे 1500 बोल रहे थे भैया, पर हमने थोड़ा बार्गेनिंग करी, हमने बोला भैया थोड़ा ये वो गरीब यूट्यूबर है गरीब यूट्यूबर है भैया, थोड़ा कम कर लो। तो 1000 रुपये उन्होंने हमें फाइनल लगाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जेन्युइन प्राइस है इसके लिए, बहुत ही कम प्राइस है। तो गाइस, अभी जैसे 10 बज गए हैं, हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो निकलते हैं दिल्ली के लिए, मिलते हैं आपसे रास्ते में। नीचे यहाँ का बस स्टैंड, अगर आप वॉल्वो वगैरह से या हिमाचल की प्राइवेट बसेस से भी आते हैं तो यहीं पे आके आपका स्टॉपेज होगा। और यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर मॉल रोड है। यहाँ से बिलासपुर है 176 किलोमीटर, चंडीगढ़ है 310 किलोमीटर और मंडी है 110 किलोमीटर। तो हमारा पहला स्टॉप होगा गाइस मंडी में,
110 किलोमीटर है, देखो 3 घंटे में पहुंच जाने चाहिए मंडी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ओट टनल में। तो जो मनाली से दिल्ली का रास्ता है उसमें ही एकलौती टनल पड़ती है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2.8 किलोमीटर और काफ़ी लंबी और अच्छी टनल है ये। और हम भुंटर से लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, वहाँ पड़ती है ये ओट टनल। तो चलिए आपको टनल दिखाते हैं कैसी है। तो आप ये जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ये है व्यास नदी, और यहाँ से देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और इसके ऊपर की साइड पर आप देखोगे वहाँ से एक झरना भी बह रहा है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और बादल बारिश होने की वजह से एक अलग ही तरह का व्यू आ रहा है यहाँ से। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में ये मंडी आने वाला है और हमें रास्ते में सुंदर सस्पेंशन ब्रिज दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे चाय नाश्ता किया जाए। तो अभी हम चाय और समोसे ले रहे हैं यहाँ पे और इसके बाद हम फिर निकलेंगे मंडी के लिए। बाकी आपने नज़ारे देख ही लिए यहाँ के, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है और बारिश में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए गाइस हम यहाँ से वहाँ निकलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और ये जो हल्की हल्की यहाँ पर बारिश हो रही है ना, सोने पे सुहागा गाइस, मजा आ गया। यो गाइस, अभी हम रुके हैं मंडी में पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर 1500 रुपए का डीजल लिया है जो हमारा दिल्ली तक का हो जाएगा इसमें। बाकी वेदर का हाल आप देख ही रहे हैं, मनाली से यहाँ तक कंटिन्यू में बारिश मिली है और सही में पूरे से बारिश हो रही है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए थोड़ा रुके। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे आगे। गाइस अभी स्वारघाट यहाँ से 9 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है पीछे तक का। देखिए पब्लिक देखिए कितनी परेशान है। हमें कम से कम आधा घंटा हो गया हम जाम में खड़े हैं और अभी पता नहीं कितनी देर और खड़ा होना पड़ेगा। हमने ज़्यादा ब्रेक्स भी नहीं लिए रास्ते में क्योंकि हम रात से पहले ये पहाड़ क्रॉस करना चाहते थे। और जो स्वारघाट है उससे आगे प्लेन रास्ता है पूरा, तो वहाँ पर पहाड़ नहीं होंगे। और अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर बचे हैं स्वारघाट, और अभी तक जो वजह है जाम की वो पता नहीं लग पाई है। एम्बुलेंस भी गई एक, या तो कोई लैंडस्लाइडिंग है या कोई एक्सीडेंट वगैरह, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक बंदा भी यहाँ से गया तो उसने बोला 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर। शाम के अभी 5:30 बजे हैं, अभी 1 घंटे तक और कम से कम उजाला रहेगा। तो होप करते हैं कि उससे पहले हम निकल जाए जान से।
सो गाइस अभी 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और हम इस वीरान जंगल के बीच फंसे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 2 घंटे हो गए हैं हम जाम में फंसे हुए हैं और अभी पता नहीं कितना लंबा और जाम है। कोई नहीं, बट सफर जरूरी है, सफर जरूरी है, चाहे बुरा हो या अच्छा एंजॉय करते रहना चाहिए, जैसे हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं पीछे। गुप्ता जी आपकी वीडियोस खत्म हुई या नहीं? नहीं भाई, आपको पता है गाइस हम तब से हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ऐसे इधर उधर पता कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और गुप्ता जी तब से यूट्यूब पर न्यूज देख रहे हैं और वो भी पता नहीं कितनी कितनी पुरानी। और हाँ, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है गुप्ता जी उसकी न्यूज देख रहे हैं, वो तो हम बताना भूल ही गए आपको। गुप्ता जी जो आज देख रहे हैं वो देख रहे हैं अनूप जलोटा की न्यूज, ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी सब पढ़ दिया गुप्ता जी ने अनूप जलोटा की। तो गाइस ऐसा लग रहा है आज रात का स्टे और डिनर गाड़ी में होने वाला है और ये काफी खतरनाक लग रहा है दोस्तों। या गाड़ी में सोएंगे फैल के मजे में। लेट्स अरेंज फॉर सम फूड नाउ, आई एम सीइंग सम ढाबा। गुप्ता जी का भूख के मारे बुरा हाल है। गुप्ता जी गो एंड गेट सम पराठा। हमारे पास स्नीकर्स पड़े हुए हैं, गुप्ता जी को चाहिए ऑमलेट बिकॉज गुप्ता जी है ऑमलेट किलर। पूरी ट्रिप में इन्होंने सिर्फ ऑमलेट खाई है, उसी पर जिंदा है। मुझे लगता है हमारा 8 दिन का ट्रिप था, 9 दिन का बन जाएगा। दो पराठे ला छोटू, छोटू आज छोटू ऐथे ही लिया छोटू, दो पराठे और गुप्ता जी के लिए ऑमलेट, गुप्ता जी के लिए ऑमलेट। और एक बात और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर फोन में नेटवर्क है, हम नेटवर्क रेंज में है, इंटरनेट भी चल रहा है, तो इसलिए सच में अगर यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो पता नहीं हम जिंदा कैसे रहते हैं यहाँ पे इतने घंटे। इसलिए हमारा थोड़ा टाइम पास हो रहा है और बाकी अपडेट करते रहेंगे आपको। अभी हमें भूख भी लगी है, डिनर भी करना है, देखते किसी ढाबे पर रोकेंगे। जैसे आपको पता है हमने लंच भी नहीं किया तो ट्रैफिक में चलते चलते साइड में एक ढाबा आया, तो फाइनली मैं इन दोनों को कन्विंस कर पाया हूँ कि कुछ खाने को लेके आ जाए। दोनों सामने ढाबा पे गए हैं कुछ खाने को लेने, वो देखिए उधर सामने, देखते हैं क्या लेके आते हैं। तो भाई जैसे ये लोग ढाबे पे गए तभी ये लाइन चल पड़ी और इनको भाग के आना पड़ा और अभी यहाँ पे कोई ढाबा नहीं दिख रहा है आसपास। हम कम से कम 500-600 मीटर आगे आ चुके हैं वहां से, तो हमने सोचा हमारे पास जो खाने का सामान पड़ा है उसी से गुजारा चला है। ये गाइस आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या खाने का सामान है जिससे हमारा गुजारा चलेगा। एक है हमारे पास सॉल्टेड पीनट्स, एक हमारे पास है मुंबई मिक्स बाबा जी की। नमकीन की बहुत सारी वैरायटी है हमारे, नमकीन की बहुत सारी है वैरायटी। ये कौन नमकीन है? ये वाली भी नमकीन है, पता नहीं कौन सी है। स्नीकर्स, एक स्नीकर का डब्बा है पूरा, वाइन वाले बिस्किट है। जो बिस्किट है ये हमको गिफ्ट में मिले थे, चलते टाइम दिए थे, जो गुप्ता जी ने अभी तक खत्म नहीं करे तो वे भी देख सकते हैं इस व्लॉग में। और ये पीछे भी नमकीन चल रही है भाई की, ये गुप्ता जी पीछे चिप्स खा रहे है, चिप्स का सहारा है भाईयो। तो भैया अब यही है सहारा, वो तो शुक्र हमने खाने का सामान प्रॉपर रखा हुआ था, अब यही सहारा है, ये हमारे जीजा जी ने दिया अभी, अब यही खाने का सामान। तो हमारी एडवाइस है गाइस, आप कभी भी ऐसे पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं तो खाने पीने का खाने का सामान लेके जाएं ताकि हमारी तरह अटक जाओ तो ये सब खा के गुजारा कर सको। बी घुमक्कड़ बी स्मार्ट। गाइस आपको एक खुफिया बात बताता हूँ, जब हम ऐसी जगह पर फंसते हैं तो तरह तरह के प्राणी मिलते हैं। अभी हमें कुछ लोग मिले सामने होटल पर, वे ठेके का पता कर रहे थे। सालेनु जाम की टेंशन नहीं है, कहता पाजी ठेका कितने है, ठेका कितनी दूर है, ठेका कितनी दूर है यहाँ से। कमाल के लोग है भाई दुनिया, जाम हटे ना हटे साला सेट तो हो जाए। एक और बात, बारिश नहीं रुक रही है, सुबह से जब से हम चले कंटिन्यूस बारिश हो जा रही है और अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशे पे बारिश है, अभी भी बारिश हो रही है। दिल्ली के वेदर रिपोर्टर से भी पता चला है कि दिल्ली में भी बारिश हो रही है, चंडीगढ़ में भी है। भाई तो भाई ये तो पूरा तहलका है, तहलका पूरा गीला व्लॉग है। ये वेट व्लॉग, ये व्लॉग काफी गीला होने वाला है तो सभी टॉवल लेकर देखे इस व्लॉग को, काफी भीगा व्लॉग है, भीगा हुआ। चलिए गाइस इस अंधेरे जंगल में हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए इतनी बड़ी चट्टान गिरी हुई है, हमें तो लगा था छोटी मोटी लैंडस्लाइड होगी, ये तो पूरी की पूरी चट्टान गिरी हुई है और ये पूरे रोड पर थी। ये जेसीबी ने थोड़ा एक रास्ता किया जिससे एक साइड का ट्रैफिक निकल सके, पता नहीं है कोई कैजुअलिटी है भी या नहीं है अभी यहाँ के एक्चुअल हालात। चलो चलो
और गाइज अब हम यहाँ से लैंड स्लाइड से निकलते हुए ट्रैफिक चल रहा है आगे। गाइज लैंड स्लाइड का बाप है ये, इतना बड़ा पत्थर सोचो ऊपर से आया है, लैंड स्लाइड का बाप है दोस्तों। और अब हमने लैंड स्लाइड क्रॉस कर लिया गाइज, अब देखते हैं आगे कितना जाम मिलता है हमें दूसरी साइड वाला। फाइनली लैंडस्लाइड तो क्रॉस हो चुकी है, अभी 8:30 बज रहे हैं और लैंडस्लाइड क्रॉस करी हमने, 5 बजे हम फंसे थे गाइस, 3.5 घंटे में हम निकले हैं। और अभी आगे भी दूसरी साइड का भी जाम देखो कितना लगा होगा, 7-8 किलोमीटर तक वो हमें क्रॉस करना है धीरे धीरे। गाइज अभी टाइम हो रहा है 10 और हम रुके हैं गोरा वैष्णो ढाबा पर फॉर डिनर। तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का ट्रैफिक था, वो हमने 9:15 बजे क्रॉस कर लिया था और उसके बाद हमें यहाँ तक 45 मिनट लगे। दिल्ली अभी भी 300 किलोमीटर दूर है और गूगल दिखा रहा है 5 घंटे, तो यानी अभी 5 घंटे और लगेंगे अभी दिल्ली जाने के। बस यहाँ पे अभी खाना खाएंगे जिसमें हमें आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, और बाकी 5 घंटे रास्ते के, तो यानी टोटल 5.5 घंटे अभी हमें लगेंगे यहाँ से। अभी बारिश बंद हो गई है यहाँ पर, बारिश बिल्कुल नहीं है, वैसे बारिश थी यहाँ पर भी। काफ़ी भूख लग रही है, टायर्ड भी है काफ़ी। सही में जाम ने पूरी हालत खराब कर दी गाइस, हालत खराब कर दी सच में। अभी तक हम दिल्ली पहुंचने वाले होते अगर जाम नहीं होता तो, क्योंकि जब हम चले थे मनाली से, हमने गूगल मैप लगाया था तो वो 10:30 बता रहा था और अभी 10 बज रहे, हम आधे घंटे में पहुंचने वाले होते अगर जाम नहीं मिलता तो हमें। तो चलिए गाइस पहले अब यहाँ पे डिनर करते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो दोस्तों फाइनली आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। ये थी हमारी लद्दाख ड्रीम्स जर्नी की कहानी, जिसके हर पल को आपने हमारे साथ जिया है और पिछले 8 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ट्रेवल की एक अच्छी बात ये भी होती है कि आपकी जर्नी कितनी भी बड़ी हो लेकिन हमेशा छोटी ही लगती है। सो दोस्तों आप भी निकलिए घर से बाहर और देखिए इस खूबसूरत दुनिया को, और फिर मिलते हैं आपसे हमारे एक नए एडवेंचर के साथ। धन्यवाद। मित्रों अच्छे वीडियो आने वाले हैं, प्रेस द बेल आइकन।